पीछे बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, ये भीड़ चिल्ला रही है सिर्फ और सिर्फ शाहिद कपूर के लिए। टीचर्स डे के इस मौके पर शाहिद कपूर एक कॉलेज को विजिट कर रहे हैं, शायद जैसे ही आएंगे उनका क्या एजेंडा है, क्या वो बात करने वाले हैं और कैसे वो स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, ये हम आपको बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा प्रमोशन हो रहा है ग्रीन गणेशा का, विच इज़ अ वेरी नाइस कॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट दैट अलॉन्ग विद ऑल दीज कॉलेज स्टूडेंट्स। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। लेट्स सी वो लोग आपको कैसे एंटरटेन करते हैं, आप कैसे उन्हें एंटरटेन करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड। शाहिद कपूर फाइनली कॉलेज स्टूडेंट से मिल चुके हैं, शाहिद कैसा रहा तजुर्बा ये पूरा? फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉज है एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी, ऑल द स्टूडेंट्स एट लाला कॉलेज, द एंटायर फैकल्टी एट लाला कॉलेज, सचिन आहिर सर हू हैज बीन हियर, द टाइम्स ग्रुप एंड एवरीबडी हू हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, to tell people that you know we should use products which are biodegradable. I think Green Ganesha is a fantastic initiative and I think these are the right people to be telling, because I think the youth is the other people who are going to make a change and it's important to connect with them, and I was very happy to see ki kitne enthusiasm ke sath sare students yahan par aaye hain. Aap jitne popular hain abhi college ke time par bhi utne popular the? नहीं यार, कॉलेज के टाइम पर जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो मैं लात मार के हटा देते थे, लेकिन आज तो आपने काफी एंटरटेन किया लोगों को। हाँ, अभी स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला है तो छोड़ूंगा थोड़ी। कैसे स्टूडेंट कैसे थे कॉलेज के अगर हम बात करें तो? Fantastic. I mean, they were all here. आप कैसे स्टूडेंट थे, इनके बारे में बता सकते हैं और आप अपने बारे में? कॉलेज के अंदर ऐसे डेंजरस सवाल मत पूछो, कॉलेज के बाहर जवाब दूंगा। आपकी कोई मेमोरीज हैं, आपके जो टीचर्स? एक्चुअली आज ही अपने कॉलेज में गया, मिठीबाई कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपनी आर्ट्स स्टडी किया था, और मैं आज ही वहाँ पे पूरे मिठीबाई कॉलेज को देख कर आया, आई सॉ सो मच इज चेंज, यू नो it's so much nicer, so much better, so I was very happy to see meet the faculty, meet the students, and it was a fantastic experience. Bahut acha laga. Aap ye bhi mante hain ki aapki jo film hai ye iska target audience kahe to college going kids hi hain, youth hain? Sir, wo to 20 september ko pata chalega, target audience jo hai wo actually sabke liye hai ye film, but this is looking very promising. Thank you. This movie is very looking. Thank you. I mean, I think it's a film for everybody. Film ke andar aisi koi bhi cheez nahi hai jo kisi bhi section ko shayad achhi nahi lagegi. Entertaining film hai, comedy hai bahut sari film ke andar, gaane hain, dancing hai, सब कुछ है, सो आई एम श्योर दैट इट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ ये रिकॉल करने की, कॉलेज की कैसी मेमोरी जो आपको आप हमेशा अपने साथ रखते हैं कि मैं कॉलेज में था तो ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ आज? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ कॉलेज के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम होता है, दोस्तों के साथ टाइम बिताना, ऑल दीज मेमोरीज। आई रिमेंबर वी यूज टू ड्राइव डाउन टू गोवा समटाइम्स, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स टुगेदर, सारे जितने भी क्लासमेट्स थे हम लोग, कॉलेज में वक्त गुजारना, साथ में एग्जाम्स के लिए टेंशन होना, साथ में स्टडी करना, रात भर एग्जाम होने से पहले साथ में कॉफ़ी पी के उठे रहना और पढ़ाई करने की कोशिश करना, थिंग्स लाइक दैट। दो सब्जेक्ट जिसमें शायद कपूर अच्छे थे और बुरे भी थे? मैं बायोलॉजी में और साइंस में अच्छा था और मैथमेटिक्स मेरी बहुत ख़राब थी, है और रहेगी शायद। अच्छा, एक चीज़ जिसके शायद कपूर खुद टीचर बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ख़राब टीचर बनूंगा, मैं बहुत लीनियंट हूँ आई थिंक।